उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में युवा चेतना के तत्वाधान में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इसी दौरान युवा के चेतना के राष्ट्रीय संयोजक ने भाजपा पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है। वहीं महाराष्ट्र में जो हुआ, उन्होंने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया और 2022 में बसपा की सरकार बनेगी और झूठे वादे करने वालों का मुंह काला होगा। आते हुए बता दीजिए क्या कैसा कार्यक्रम आज है? युवा चेतना के तत्वावधान में पिछले 30 घंटों से भगवान राम का अनुसरण किया जा रहा था रामचरितमानस के पाठ के माध्यम से। आज उसका समापन हुआ है और विशाल भंडारा का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे जनपद से सम्मानित लोगों की उपस्थिति हुई और आज सब लोग यहाँ एकजुट हुए और भगवान राम के जीवन को दर्शन मानकर उनके दिखाए रास्ते पर चलने का प्रयास करने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर आप क्या कहेंगे? हमने तो बताया जो मुझे कहना था। हमने कहा कि भगवान राम का अनुसरण किया गया और उनके दिखाए रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। जी हमें भी आप जानना चाहते हैं। हम उस राम को मानने वाले लोग हैं जिन्होंने आदर्श और मर्यादा की स्थापना की थी। हम उस राम को मानने वाले लोग हैं जिन्होंने असत्य पर सत्य का झंडा गाड़ा था। हम वो लोग नहीं हैं जो राम के नाम पर देश को बांटने की राजनीति करते हैं और मंदिर मस्जिद को केंद्र में रखकर देश को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। हम राम को गांधी की दृष्टि से मानते हैं। गांधी ने कहा था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। हम उस राम के अनुयायी हैं। हम भाजपाई वाले नहीं हैं जो राम जी के नाम पर कहीं भी सिंह लड़ाने लगते हैं। राम तो आदर्शवादी राजा थे। राम राज की चर्चा हर युग में हुई है, तो हम भगवान राम का अनुसरण करते हैं, राम के दिखाए रास्ते पर चलते हैं। राम ने कहा था, असत्य और अन्याय के खिलाफ संघर्ष होना चाहिए। देश में असत्य और अन्याय का झंडा लहर रहा है भाजपा के नेतृत्व में। हम लगे हुए हैं भाजपा को परास्त कर देश में समाजवाद का झंडा गाड़ने में और राम के दिखाए रास्ते पर चलकर रावणों का संहार करने के। जो महाराष्ट्र में और किस रूप में देखते हैं? महाराष्ट्र में जिस प्रकार कौरवों ने द्रौपदी की साड़ी को खींचने का प्रयास किया था, लेकिन साक्षात भगवान कृष्ण खड़े हो गए थे, उसी प्रकार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने चीरहरण करने का प्रयास किया है और भगवान कृष्ण लगता है फिर खड़े हो गए हैं। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में न्याय की जीत होगी, अन्याय का हार होगा।